आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां अस्पताल के बाहर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई है। ये कार्यकर्ता हाथरस गैंगरेप की पीड़िता की मौत के बाद प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, संसद के बाहर कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। तो वहीं हाथरस की इस घटना के बाद इस वक्त भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो अस्पताल के बाहर इकट्ठा हुए, उनके साथ पुलिस की भिड़ंत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद यह हंगामा खड़ा हो गया है। हाथरस में हुए गैंगरेप को लेकर पीड़िता के परिवार के साथ साथ भीम आर्मी के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग सफदरजंग अस्पताल के मोर्चरी के बाहर हैं, जहां पर बाकायदा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि लोग जो है बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे न पार कर जाएं। लेकिन अभी यहां पर बैरिकेडिंग को तोड़कर, उसे गिराकर यहां पर भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बाकायदा मोर्चरी के सामने आकर यहां पर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है मामले को। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सबका साफ यही कहना है कि जो दलित है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो है अनफेयर किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन ये बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन अब मामला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बवाल भी ज्यादा बढ़ रहा है। पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर क्या आपको अस्पताल की लग रही है कि यहाँ पर गुंडों की तरह व्यवहार किया जा रहा है? नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इस तरह का व्यवहार कहाँ तक न्यायपूर्ण है? आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस लगातार मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है। अभी तक लगातार यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था, और साथ ही ये भी कहा जा रहा था कि माहौल को खराब मत कीजिए। यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की ये तस्वीर है, और यहाँ पर जो पीड़ित महिला थी उसके शव का अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है, और साथ ही बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे की तरफ चलकर आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, पुलिस की गाड़ी भी यहां पर पहुंच चुकी है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ये भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं और यहां पर लगातार बवाल कर रहे हैं। एम्बुलेंसेस को यहां पर हटाया जा रहा है, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि यहां पर तोड़फोड़ का भी माहौल हो सकता है। ऐसे में एहतियातन यहां से एम्बुलेंसेस को हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहां पर जो अस्पताल के बाउंसर्स हैं वो यहां पर लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही भी देखिए आप तस्वीरें, लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है जो यहां पर बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए थे। लगातार नारेबाजी चल रही थी यूपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, और साथ ही न्याय की मांग कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जो पीड़िता के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और उन्हें यहाँ से आगे कम से कम उन्हें फांसी की सजा तो जरूर होनी चाहिए, उससे कम की सजा उन्हें मंजूर नहीं है। फिलहाल देखिए यहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है, पुलिस जो है तमाम जो उपद्रवी कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है, और अभी देखिए काउंसिल जरूर संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। ये सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर है, बेहद हैरान करने वाली, किसी अस्पताल में इस तरह का बवाल अगर देखा जाए। यहाँ पर और भी मरीज जो है वो इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं, लेकिन इस तरह का बवाल जो है लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तक जो पुलिस थी मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उनके हाथ से ये पूरी तरह से जो मसला है वो निकल चुका है, और हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। सफदरजंग अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपने देखी, और अब एक तस्वीर देखिए संसद के बाहर की, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। संसद के बाहर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। ये कांग्रेस का हल्ला बोल है, एक लड़की जिसके साथ हाथरस में न सिर्फ गैंगरेप किया गया, उसके साथ बेरहमी की गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई। 15 दिन तक आप जरा उस लड़की की
स्थिति सोचिए जो केवल इशारों में ही बात करती रही और रात 3 बजे उसने अंतिम सांस ली। उसके इंसाफ के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आप देख रहे हैं, ये महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, उन्हें पुलिस किस तरीके से गाड़ी पे बिठाती नजर आ रही है। दलित बेटी को न्याय दो, दलित बेटी को न्याय दो, न्याय दो, आदर्श की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आदर्श की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आदर्श की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी हाय हाय। ये तस्वीर आप देख रहे हैं संसद के पास, ये प्रदर्शन कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का। आपने कुछ इसी तरीके का प्रदर्शन तब भी देखा होगा जब निर्भया के साथ बदसलूकी हुई थी, गैंग रेप किया गया था, उसकी स्थिति खराब कर दी गई थी और आखिर में दुनिया से उसकी रुखसती हुई थी। और आज हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है उसके खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का यह विरोध प्रदर्शन। क्या इस देश के अंदर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? पहली बेटी के साथ रेप होता है, उसकी हत्या हो गई है, सरकार और समाज उसकी हत्या कर दी, योगी सरकार की है, मोदी सरकार की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी यह सरकार 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको भी शर्म आनी चाहिए सर, एक बेटी के साथ इस देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सरकार और समाज ने इस बेटी की हत्या कर दी है और यहाँ पर हथियारों को पकड़ कर उनको बेल मिल जाती है। क्या हम निर्भया भूल गए हैं? क्या ये देश भूल गया है? क्या सरकार भूल गई है? कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी? हम थूकते हैं ऐसे शासन पर जो बेटियों की सुरक्षा नहीं करते। एक तरफ न्याय के लिए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता आवाज उठा रही हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट करते हुए पूरे मुद्दे को एक सियासी रंग दिया। हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। 2 हफ्ते तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में न्याय के लिए आवाज उठाई जा रही है। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे की एक और रिपोर्ट आप देखिए। हाथरस में हुए गैंग रेप को लेकर पीड़िता के परिवार के साथ साथ भीम आर्मी के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग सफदरजंग अस्पताल के मोर्चरी के बाहर हैं, जहां पर बाकायदा पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी ताकि लोग जो है बैरिकेटिंग को क्रॉस करके आगे न पार कर जाएं। लेकिन अभी यहां पर बैरिकेटिंग को तोड़कर उसे गिराकर यहां पर भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बाकायदा मोर्चरी के सामने आकर यहां पर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है मामले को। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सबका साफ यही कहना है कि जो दलित है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो है अनफेयर किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन ये बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन अब मामला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बवाल भी ज्यादा बढ़ रहा है। पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर
भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर क्या आपको अस्पताल की लग रही है कि यहाँ पर गुंडों की तरह व्यवहार किया जा रहा है? नाराजगी अपनी जगह हो सकती है, इस तरह का व्यवहार कहाँ तक न्यायपूर्ण है? आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, पुलिस लगातार मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये भी कहा जा रहा था कि माहौल को खराब मत कीजिए, यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की ये तस्वीर है और यहाँ पर जो पीड़ित महिला थी उसके शव का अंदर पोस्टमार्टम चल रहा है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है और साथ ही बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आगे की तरफ चलकर आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ये भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ पर लगातार बवाल कर रहे हैं। एम्बुलेंसेस को यहाँ पर हटाया जा रहा है क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है यहाँ पर तोड़फोड़ का भी माहौल हो सकता है। ऐसे में एहतियातन यहाँ से एम्बुलेंसेस को हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर जो अस्पताल के बाउंसर्स हैं वो यहाँ पर लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही देखिए आप तस्वीरें, लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है जो यहाँ पर बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही भीम आर्मी के जो सदस्य हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लगातार नारेबाजी चल रही थी यूपी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और साथ ही न्याय की मांग कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जो पीड़िता के जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और उन्हें यहाँ से आगे कम से कम उन्हें फांसी की सजा तो जरूर होनी चाहिए, उससे कम की सजा उन्हें मंजूर नहीं है। फिलहाल देखिए यहाँ पर माहौल बिगड़ रहा है, पुलिस जो है तमाम जो उपद्रवी कार्यकर्ता हैं उनको डिटेन करने की कोशिश कर रही है और अभी देखिए काउंसिल जरूर संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मामला लगातार बिगड़ता जा रहा है। ये सफदरजंग अस्पताल की तस्वीर है, बेहद हैरान करने वाली, किसी अस्पताल में इस तरह का बवाल अगर देखा जाए। यहाँ पर और भी मरीज जो है वो इलाज के लिए पहुंचे हुए हैं लेकिन इस तरह का बवाल जो है लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तक जो पुलिस थी मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन अब उनके हाथ से ये पूरी तरह से जो मसला है वो निकल चुका है और हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। ये प्रदर्शनकारियों का आक्रोश है, ये नाराजगी है। एक लड़की के साथ ना सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसके इंसाफ के लिए आवाज उठाई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे हैवानियत की वो दास्तान जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया।